ये जो खबरें हैं इनकी पुष्टि भी होती है, पर एक अंदाज़ा भी लगाया जाता है। जो भी तानाशाह होता है उसको बहुत फिक्र होता है अपनी सुरक्षा का। मैं नॉर्थ कोरिया में रह चुका हूँ डिफेंस अटैचे, मुझे पता है कि अगर उनको सपने में भी कोई संदेह हो जाए तो पूरी की पूरी टीम बदली जाती है। ये तानाशाहों का एक अंजाम से मुसोलिनी भी और एक उनकी एक विशेषता होती है। देखो मैं एक बात बताऊंगा कि ये जो न्यूज है ये सच्चाई ना हो या हो मगर इसके अंदर काफी तथ्य है। सर आता हूँ इस पर, एक बड़ी खबर ले लूँ, इस पर आता हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, पुतिन के कथित मर्डर प्लान पर कयासों का बाजार गर्म है। अमेरिकी सेनेटर ने भी हत्या की बात कही थी और ब्रिटिश सेना के पूर्व प्रमुख ने भी हत्या की बात कही थी। पुतिन विरोधी रूसी बिजनेसमैन ने जो ऑलिगार्क्स ने बाकायदा इनाम घोषित किया था, और ये अब जब खबर आ रही है तो अब आपको उन लोगों के नाम भी बताते हैं जिन्होंने ये सारे आशंकाएं जताई थी। आपको उन लोगों के नाम बताते हैं कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि पुतिन का मर्डर कर देना चाहिए, या जिन्होंने कहा था कि पुतिन की हत्या कर देनी चाहिए, या पुतिन की हत्या की जिन्होंने आशंका जताई थी। देखिए हम आपको बताते हैं कि कैसे रूस और यूक्रेन की इस जंग के बीच अब पुतिन की जान पर बनाई है, या वो कह रहे हैं कि उनकी हत्या हो सकती है। इनमें अमेरिका का और ब्रिटेन का तक का नाम शामिल है, जो जिसमें बहुत सारे उनके पूर्व सेना प्रमुख या खुफिया एजेंसीज के प्रमुख कह रहे हैं कि पुतिन की हत्या कर देनी चाहिए। लिंडसे ग्राम, अमेरिकी सेनेटर, पुतिन की हत्या के लिए रूस से ही किसी को सामने आना होगा और हत्या से ही इस जंग को खत्म किया जा सकता है, ये एक अमेरिकन सेनेटर कह रहे हैं। कर्नल रिचर्ड कैंप, पूर्व प्रमुख ब्रिटिश सेना, युद्ध रोकने के लिए पुतिन की हत्या अच्छा विकल्प है, ये वो कह रहे हैं। पुतिन को मार देने से हजारों जाने बच जाएंगी। एलेक्स कोन्याखिन, रूसी बिजनेसमैन, पुतिन को जिंदा या मुर्दा लाओ, $1 मिलियन का इनाम मिलेगा। फेसबुक पर किया पुतिन को मारने या गिरफ्तार करने का ऐलान। तो अब सवाल यह है कि जब रूस से लेकर अमेरिका और ब्रिटेन तक पुतिन, कई लोग पुतिन की हत्या की बात कह रहे हैं, तो पुतिन को हत्या का डर क्यों नहीं सताएगा जनरल सिवाच? बिल्कुल सताएगा। देखो इसमें कोई शक नहीं है कि आज पूरा वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न की जो पावर है वो एक ही काम है, किसी तरीके से अगर पुतिन उनका काटा है उसको दूर किया जाए तो बहुत अच्छी बात। मगर ये भी सच्चाई है कि ये वेस्टर्न मीडिया का ही प्रोपगंडा है। मगर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो रूस है आज पुतिन किसी पर विश्वास नहीं कर रहे, पुतिन को भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है। तो ये भी चीज देखने, कम्युनिस्ट कहे हैं और ये जिस प्रकार से राज कर रहे हैं, ये आयरन कर्टन वाला राज। इससे ये बात साफ हो रही है कि पुतिन की हत्या का डर है। सर वो आदमी जो पूरे नेटो के लिए चैलेंज बन गया है, वो आदमी जो वर्ल्ड पावर अमेरिका के लिए चैलेंज बन गया है, वो शख्स जो पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए चैलेंज बन गया है, आखिरकार क्यों उसको अपनी हत्या का डर नहीं सताएगा जब इतने बड़े बड़े लोग हमारे दुश्मन हैं? तो इस बात को जो इतिहासकार कपिल कुमार कह रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा सिर्फ है, आपको लगता है कि सिर्फ प्रोपेगेंडा या वाकई में पुतिन को अपनी हत्या का डर सता रहा है? बिल्कुल उसको डर तो जरूर सता रहा है। जैसे मैंने बोला कि जो भी तानाशाह होते हैं उनको अपनी सुरक्षा का बहुत ही फिक्र होता है, और ये दुनिया में ये माना गया है, और जब भी तानाशाह को गिराया जाता है तो अंदर से गिराया जाता है, वो अंदरूनी उसकी जो हत्या अंदरूनी छोड़ देगा। कपिल कुमार सर आप जो कह रहे थे, एक मिनट अंकिता, कपिल कुमार सर आप जो कह रहे थे, जो बातें मैंने कही, जब आपके दुश्मन इतने बड़े बड़े लोग हों तो साजिश से आप इनकार कैसे कर सकते हैं? साजिश से कब इनकार किया? हाँ मैं आप कैसे कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है सिर्फ? सुनिए ना, ये जो हजार लोगों की आप कहानी दे रहे हैं इसको मैं प्रोपेगेंडा कह रहा हूँ। लेकिन हत्या की साजिश से आप इनकार नहीं कर सकते? तो मैंने पहले दिन कही थी कि अंग्रेज हमेशा करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेंगे ना पुतिन? प्रिकॉशनरी मेजर्स अपने आप को सेफ तो रखने की कोशिश करेंगे ना? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।